हेलो फ्रेंड, दिस इज मोहम्मद शोएब बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड यू आर वाचिंग डिजिटल नोटिस। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं वो पिछले कुछ टाइम से काफी ज्यादा चर्चा में है, काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। जी हाँ, कॉइन का नाम है वर्टकॉइन। एंड एज यूजुअल हम बात करेंगे वर्टकॉइन की टेक्नोलॉजी की, फ्यूचर प्रेडिक्शन की, और क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो शुरू करने से पहले बस मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल बटन को भी क्लिक करें ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो चलिए, जब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कॉइन की, तो सबसे पहली चीज इसके थोड़ी हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। वर्ल्ड कॉइन जो लॉन्च हुआ था, दैट वॉज इन बैक इन 2014। और जो सबसे मजे की बात यह है कि जब ये लॉन्च हुआ था, दैट वॉज इन सेंट्स, कुछ सेंट्स का ये लॉन्च हुआ था, और विद इन अ मंथ ऑफ इट्स लॉन्च इसने बहुत तगड़ा, एक बहुत बड़ा प्राइस राइज देखा और ये नियर अबाउट $3 तक आसपास पहुंच गया था विद इन अ मंथ और टू इसके लॉन्च के। तो वो एक रीज़न था इसकी पॉपुलैरिटी का, जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स की नज़र इसकी तरफ गई कि भाई, एक कॉइन जो लॉन्च होता है ऑल ऑफ अ सडन उसके प्राइसेस इतने हाई चले जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसा इन्वेस्ट हुआ, फिर लेकिन इसने एक क्रैश देखा एंड फिर कंप्लीट 2014, कंप्लीट 15 एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट 16 ये नीचे ही क्रैश में रहा, सेंट्स में रहा। तो जिन लोगों ने उस टाइम इसमें इन्वेस्ट किया होगा वो यही सोच रहे होंगे, या तो उन लोगों ने पैसा निकाल लिया होगा इससे, और या तो ये सोच रहे होंगे कि वो लॉस में है और कब ये वापस आएगा। देन कम्स द ईयर 2017, दैट वॉज द बूम ईयर फॉर ऑल द ऑल कॉइन्स। और जब सारे ऑल कॉइन्स आपको जानते ही हो कि ऊपर आए, तब वर्ल्ड कॉइन भी सेम वॉज द केस, ऊपर आया। सिंस मे 2017 इसने सिर्फ एक रैपिड ग्रोथ देखी है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट टुडेज प्राइस, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $4 पे इस टाइम ट्रेड हो रहा है। तो मई 2017 से अक्टूबर 2017 तक इसने सिर्फ ग्रोथ देखी है। हाँ, नवंबर में एक स्लिप ज़रूर देखा है, लेकिन ये एक ऐसा कॉइन जो सिर्फ ग्रोथ पर है, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर्स की नज़र जाएगी जाएगी, उनका इंटरेस्ट बढ़ता है कि भाई, वो हमेशा प्रॉफिट चाहते हैं इन्वेस्टर्स, और वो एक ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहां पर उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। एंड वर्ल्ड कॉइन इज डूइंग दैट। सो ये एक रीज़न था इसका पॉपुलैरिटी का। अदर रीज़न फॉर द पॉपुलैरिटी, जो इसकी टेक्नोलॉजी है, अलग तो कोई पर्पस नहीं है इस कॉइन का, जैसे मैं जिन कॉइन्स के बारे में बात करता हूँ उनका एक यूनिक पर्पस होता है, लेकिन वर्ल्ड कॉइन का कोई यूनिक पर्पस नहीं होता। दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू बिटकॉइन एंड लाइट कॉइन, जो पीयर टू पीयर हमारा ट्रांजेक्शन्स के लिए यूज़ होने वाला है, ब्लॉकचेन यूज़ कर रहा है, दैट इज़ इट। और वेरी मच क्लोज टू लाइट कॉइन एज कम्पेयर टू बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन के करीब कम है, लाइट कॉइन के करीब ज़्यादा है। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लाइट कॉइन ही समझ लीजिए, अनदर वर्जन ऑफ लाइट कॉइन कह सकते हैं हम इसे, विद अ फ्यू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। तो जैसे मैंने कहा कि इसका कोई यूनिक पर्पस नहीं है, जो बिटकॉइन का एंड लाइट कॉइन का पर्पस है वही इसका पर्पस है वर्ल्ड कॉइन का। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो डिफरेंस आया है, वो आया है माइनिंग को लेकर। अब यहाँ पे इसकी पॉपुलैरिटी का ये रीज़न रहा है। तो बिटकॉइन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अब हमें ASIC माइनर्स चाहिए, कस्टमाइज मतलब मशीन चाहिए हमें उसको माइन करने के लिए, और लाइट कॉइन के भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ मशीन मतलब कस्टमाइज मशीन्स बन गए हैं कि उसको हम करें। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड कॉइन जो एल्गोरिदम, माइनिंग एल्गोरिदम यूज़ करता है, वो एक नहीं पांच करता है। सबसे पहली चीज़ तो वो पांच माइनिंग एल्गोरिदम यूज़ करता है, जो उसको काफ़ी उसकी स्पीड बढ़ा देता है, माइनिंग डिफिकल्टी उसकी कम कर देता है, एंड वो उसको बनाता है ASIC रेजिस्टेंट। यानी मतलब उसके एल्गोरिदम को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि वो कस्टमाइज मशीन से हमारा माइन ना हो सके, वो सिंपली GPU से माइनिंग हो सके उसकी। यानी मतलब ये चीज़ पहले से ही दिमाग में मतलब रखी गई कि वो डिसेंट्रलाइज माइनिंग हो। यानी मतलब अभी हमने पीछे जब वीडियो करी थी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बिटकॉइन गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन गोल्ड सिर्फ और सिर्फ मार्केट में इसीलिए लॉन्च हुआ कि वो माइनिंग को डिसेंट्रलाइज करना चाहते थे, कि दे वॉन्ट टू ब्रिंग माइनिंग बैक टू द GPU एंड CPU एरा। सेम इज़ द केस विद वर्ल्ड कॉइन। वर्ल्ड कॉइन पहले से ही इस चीज़ पर काम कर रहा है कि भाई, जो माइनिंग है वो GPU मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइनिंग कर पाएँ, डिसेंट्रलाइज वे में कर पाएँ। या मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिटकॉइन जो है वह बड़ी बड़ी कंपनीज का एक होल्ड हो गया है उसमें, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं ASIC माइनर्स वगैरह की, वो ज़्यादातर बड़ी जो माइनिंग कंपनीज हैं वो
ज़्यादा होल्ड करती हैं शेयर ऑफ द बिटकॉइन, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से ऐसे लगने लगता है कि जो कॉइन है वो ज़्यादा ज़्यादा सेंट्रलाइज होता जा रहा है, मतलब डिसेंट्रलाइज के बजाय। तो क्रिप्टो करेंसी का जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है डिसेंट्रलाइजेशन, तो वर्ल्ड कॉइन वो चीज़ को होल्ड करना चाहता है। करेंटली इट इज़ अ अगर कॉइन मार्केट कैप की बात करें तो 180 मिलियन का इसका इस टाइम सप्लाई है एंड सर्कुलेशन में है, आई मीन टू से, एंड अभी 36 पोजीशन पे है, तो काफ़ी अच्छा कर रहा है कॉइन। तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई माइनिंग इज़ वन ऑफ द रीज़न जो इसकी पॉपुलैरिटी का है। सेकंड चीज़ जो इसका रैपिड ग्रोथ चल रही है, भाई स्लिप कम कर रहा है, ऊपर ज़्यादा जा रहा है, दैट इज़ द अनदर रीज़न फॉर इट्स पॉपुलैरिटी। टेक्नोलॉजी का मैंने जैसे कि कहा कि इसमें कोई अलग ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू लाइट कॉइन। यहाँ पे सेगविट, मतलब ये पहले से सेगविट इन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, थोड़ा सा और ये इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। इनकी डेवलपमेंट टीम अभी वर्क कर रही है स्टेल्थ एड्रेस पे, तो स्टेल्थ एड्रेसेस इसमें जल्दी से ही लॉन्च होने वाले हैं। अब स्टेल्थ एड्रेसेस क्या है ये आप सर्च कर सकते हैं, या फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो करूंगा। बेसिकली स्टेल्थ एड्रेस में एक ओवरव्यू दे दूँ आपको कि स्टेल्थ एड्रेसेस जो होते हैं हमारे, वो हमारे ट्रांजेक्शन्स को अनोनिमस बनाने के लिए यूज़ होते हैं। वो एक पूरा प्रोसीजर होता है जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मुझे लगता है कि आपको शायद काफ़ी एक अच्छी एक ओवरव्यू हो गया होगा कि क्या ये हमारा कॉइन में, इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या इसकी टेक्नोलॉजी है। अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की अगर मैं बात करूं तो मैं इस कॉइन में सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेस पे नहीं करूंगा इन्वेस्ट। लेकिन अगर मैं एक एज अ ट्रेडर बात करूं तो मैं आज इन्वेस्ट करके अगर मैं 1 महीने बाद इसमें एक प्रॉफिट देखना चाहता हूं या 2 महीने बाद इसमें प्रॉफिट देखना चाहता हूं, तो आई गेस तब मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज के लिए थैंक यू।